Nada, no pasa eso. Ah, sí, pasa por ahí. मतलब छोटा हो बड़ा हो, इसलिए एनी
anybody, anywhere, कोई भी हो, हर चीज के लिए. That's why I said, first start loving yourself, start thanking yourself. अपने आप को thank you बोलना शुरू करो. Thank you के साथ साथ you start thanking you. Your body, your organs, everything comes. If you thank them, then only you will feel enough. अगर आप शुक्रगुजार नहीं रहोगे, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट दैट लव दैट अफेक्शन दैट फीलिंग फॉर दैट सो बेसिकली आप लोगों ने सबने अपना नाम लिखा होगा यहाँ पे है ना यहाँ पे आपने इमोशंस लिखे अभी इमोशंस जितने भी लिखे नौ इमोशंस जो है दीज आर द ओनली थ्री नौ रस नाइन इमोशंस फॉर एवरी ह्यूमन बींग लाफ्टर इज वॉट लाफ्टर सबको पता है हंसी खुशी कॉमेडी देखते हो सबको वही है लव रोमांस इजंट इट पीस पता है पीस का मतलब शांति व्हेन यू आर एट पीस यू फील रिलैक्स है ना एकदम सुकून सॉरो सदमा अफसोस ट्रेजेडी व्हाटएवर इज देयर कुछ भी दुख एंगर गुस्सा क्रोध जो आपने हिंदुस्तान की हालत है इसलिए डिस्गस्टिंग एज अ फैक्ट एज अ ट्रूथ हिंदुस्तान पाकिस्तान श्रीलंका जितने भी अपने मतलब है सब लोग ऐसी गंदी है लाइक इफ यू गो आउट एनी वेयर इन द वर्ल्ड जैसे यूरोप चले जाओ कभी वहां जब फुटपाथ पे होने लगे मुझे भी सही लगता है और तुम लेट कर उठोगे तो भी कपड़ा गंदा नहीं होगा कैन यू इमेजिन दैट इतना साफ है मजा आता है मैं तो बिंदास लेता हूँ मजबूरी भी है लंबा लंबा चलना पड़ता है जबकि मेरे एड में से उनका हाइट नहीं किया सरप्राइज सरप्राइज हाइट में लाइफ में हुआ है हमने उनका देखा बच्चों को परदेश में है कि कभी कभी कुछ समय ऐसे आ जाता है सामने जैसे जैसे बड़े हो रहे ना तो सरप्राइज बी प्रिपेयर फॉर लॉट्स ऑफ सरप्राइज मतलब बचपन की जो सरप्राइज है ना वो सरप्राइज अच्छे क्यूट थे उसको कोई मतलब नहीं था उसको सरप्राइज ही कहते असली सरप्राइज तो अभी आप लोग जो लाइफ चल रही है ना इसमें जो सरप्राइज मिलेंगे ना उसको बोलते हैं सरप्राइज वो सरप्राइज ना कोई भी इमोशन आ सकता है यू गेट अ जॉब यू गेट अ लकी ड्रॉ यू गेट एनीथिंग दिस सदमा कोई यू नेवर नो एस वाई जेड मतलब इन सरप्राइज कुछ भी आ सकता है पैकेज में सभी आप लोग का होमवर्क ये है कि लाइक वो पहला सेंटेंस है उस सेंटेंस को नौ इमोशंस में बोलना है feel that emotion. Counts.
that makes you comfortable. वो फोर्स करती है अपने आपको, हाँ भाई जबरदस्ती का पीस फील कर लेता बॉस, जितनी उम्मीद है ऐसे करने से लगता है कि हाँ पे मैं पीस में आ गया, जबकि जो फ्लो था मुंह से बोलने का वो तीनों का सही नहीं था। हंसी का क्या था, बस मसल जहाँ के मसल दे कर दिया, बॉडी में लगा कि ये था काफी, अंदर कितना क्रोध है मुझे पता है, समझे? ठीक है ना? Shinita loves myself. Yeah, thank you. Observe, observe,